हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबीरॉक सीम। यहाँ पर मैक्सिकन लीग का एक मैच हो रहा है जो कि एएसएल और टाइग्रेस के बीच खेला जाएगा 6:30 बजे सुबह सुबह। तो बहुत ज़बरदस्त मैच है मैक्सिकन लीग का, क्योंकि मैक्सिकन लीग के कई मैचेस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कहीं बिल्कुल बेकार, लेकिन ये मैच उनमें से है, बहुत बढ़िया मैच है भाई ये। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिनकी जुड़ने की इच्छा उनके लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है। और गाइज, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, देखिए भाई, एएसएल टीम और टाइग्रेस टीम ने अपने दो तीन मैचेस के अंदर दो मैचेस के अंदर बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, और लास्ट सीजन के लास्ट मैचेस के अंदर भी ये टीम फॉर्म में थी, तो इसलिए मुझे इनसे कोई गिला नहीं। बहुत अच्छा खेल रही है, प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छी रखी इन्होंने। और एएसएल की बात करें, इसका समझ में नहीं आता, एएसएल टीम का ना आप ढंग से कप्तान भी नहीं रख सकते, ना मैं रख सकता हूँ। दिक्कत क्या है, क्योंकि इनका प्लेयर कभी रेगुलर चलता ही नहीं है, कभी कोई गोल कर रहा है, कभी कोई गोल कर रहा है, तो ये दिक्कत है इस टीम में, जबकि ऐसी दिक्कत उनके साथ नहीं है, ऑपोजिशन टीम के साथ। तो चलते हैं आगे। तो बात करें स्ट्राइकिंग की, देखिए भाई, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर एल बोनाटिनी को ज़रूर लेना है, क्योंकि बोनाटिनी इन एएसएल टीम का ही एक ऐसा खिलाड़ी है जो पेनल्टी पर विश्वास रखता है। मतलब जितनी बार पेनल्टी आती है, मैंने बोनाटिनी का उतनी बार गोल देखा है, और पिछले दो मैचेस में दोनों में गोल आया है, और विदाउट पेनल्टी गोल किया है इसने। तो मेरे को अच्छा लगा बोनाटिनी का गेम प्ले देखकर इस हिसाब से शुरुआत में। एंड एपी गिगनेक की बात करें, तो गिगनेक इज़ अ गुड प्लेयर, बट पिछले मैच के अंदर फ्लॉप नहीं होना चाहिए था। जीयूडी के खिलाफ अगर ये बंदा फ्लॉप हो गया ना, काफ़ी मेरा दिल टूट गया। दिल क्यों टूटा? मैं गोल नहीं किया इसलिए नहीं, इसने कोशिश नहीं की। अरे यार, तू 76 मिनट में एक कोशिश तो करता। मतलब इतना बड़ा खिलाड़ी है, मेरे को पता ही है आ जाएगा फॉर्म में, बट फिर भी। एंड आगे से बात करें, एल क्विनेंस, मैंने लेनिस को नहीं लिया था और भगवान ने सुन ली, और लुइस क्विनेंस की हो गई वापसी, और ये बंदा अब करने वाला है अंधाधुंध गोल, इसलिए अब एल क्विनेंस को ज़रूर लेना। गलती से भी मत छोड़ना, किसी और की वीडियो देखोगे ना, और अगर उस बंदे ने एल क्विनेंस ना लिया हुआ, तो यहीं से समझ जाना कि वो नो सीखिया है, और वो बिना एनालाइज करके टीम दे रहा है, जो बंदा इसको नहीं ले रहा, ये मैं आपको साफ बता रहा हूँ। और एन इबनेस अगर खेलता है तो फिर एल क्विनेंस नहीं खेलेगा, ठीक है। एंड मिडफील्डिंग की बात करें, ब्रुनेटा द मेन प्लेयर ऑफ लास्ट सीजन, लेकिन पिछले मैच के अंदर असिस्ट तो आई, लेकिन गोल फिर कर गया कॉर्डोवा। कॉर्डोवा की किस्मत अच्छी है भाई, पिछले मैच के अंदर भी गोल किया था लियोन के खिलाफ, जीयूडी के खिलाफ भी गोल किया था, दो मैचेस में लगातार अच्छे प्रदर्शन करता नजर आया है बंदा, तो आई एम गोइंग विद कॉर्डोवा। और ऑपोजिशन टीम की बात करें, तो सेलेस की बात करूँ तो सेलेस अच्छा खेल रहा है, सेबेस्टियन सेलेस लेमोंग ने पिछले मैच के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके बाद आर डोरोडो की बात करूँ तो रॉड्रिगो डोरेडो अच्छा है, लेकिन ग्यूम्स मैं तो नहीं ले रहा, मतलब दो मैचेस में नहीं, ऐसा नहीं है, पिछले मैच के अंदर भी नहीं लिया था। अगर आप सोच रहे हो कि ये चला नहीं तो मैं नहीं ले रहा, अगर ये चला भी होता तो भी मैं ना लेता, क्योंकि मेरे को इसकी फॉर्म कभी कभी नज़र आती है, रोज़ नहीं, हर बार नहीं। एंड बात करें डिफेंडिंग की, देन यहाँ पर देखिए जी पिजारो, जब तक डिफेंडिंग में तब तक लूँगा, आपको वीडियो में साफ बोल दिया था, अभी भी लूँगा। जे एक्यूनो की बात करें, देन एक्यूनो, उसके बाद हमारा फेवरेट प्लेयर जे एंगुलु उरिर्ते, ठीक है, द मेन प्लेयर ऑफ TIG टीम। और आगे से अगर बात करें गोल कीपिंग की, देन ए सेंचियस छोड़ना मत गलती से भी, क्योंकि आज ऑपोजिशन टीम के पास ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर मिनट में गोल करने को बेताब हैं, और इसलिए आज एंड्रस सेंचियस के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो उनको सेव करे और टीम को आगे तक लेकर जाए। लेकिन कितने गोल सेव कर पाता है, कितने में से, ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा। बात करें यहाँ पर कप्तान की, कप्तान है हमारी टीम का गिगनेक, वाइस कप्तान आप ब्रुनेटा को रख सकते हो या क्विनेंस को। अब क्विनेंस को ऊपर मैं इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लूँगा, क्योंकि हो सकता है उसको जल्दी सब्स्टिट्यूट ना कर दें, इसलिए मैं ब्रुनेटा को रख रहा हूँ। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।